वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। स्केमेटिक की सीरीज में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो स्केमेटिक क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, कई चीज़ों में इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ कई वीडियोस में। तो स्केमेटिक में हम यहाँ पर देखेंगे, हम बोर्नियो का स्केमेटिक यूज़ कर रहे हैं। बोर्नियो के अलावा प्रिग्मा फिक्स और बहुत सारे आते हैं, उस पर भी मैं वीडियो सीरीज जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं अब तक चार चीज़ें बता चुका हूँ, इसको ओपन करने का तरीका बता चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने आपको थर्मिस्टर क्लियर किया था एक वीडियो में। थर्मिस्टर ओपन करेंगे, थर्मिस्टर के बाद कोई भी मॉडल लेंगे, आसूस लें या कुछ भी लें, उसमें आप जो भी लेना चाहें उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर थर्मिस्टर यानी जैसे ये हीटिंग को बताता है, तो ये हीटिंग सीपीयू को बताता है, सीपीयू से ओएस में जाता है, ओएस पे फिर आपको दिखाई देता है। तो वो थर्मिस्टर वगैरह हटा के आप जो हीटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, या थर्मिस्टर कहाँ पे लगा उसको यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं। थर्मिस्टर के बाद जो अगला ऑप्शन बताया था मैंने वो डायोड मोड था। डायोड मोड बेसिकली क्या होता है कि जैसे मोबाइल पानी में गया हो, लाइन अगर बहुत ज़्यादा लाइन डैमेज है, जिसको हम कहते हैं कि लाइन का सड़ जाना, तो उसको आप खोल के ओपन करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। देखिए किस तरह से होता है। अब यहाँ पर हम अल्काटेल को ले रहे हैं, अल्काटेल के बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। अल्काटेल में किसी भी मॉडल को ले रहा हूँ, फ्लैश 2 को ले लेता हूँ। इसके बाद आप इसको fluke.pdf इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, देखिए थोड़ा सा ये अभी स्लो चल रहा है। तो ये जो लाइनें होती हैं, इन लाइनों पर मैंने GRFR दोनों वीडियो बनाए हुए हैं। तो इन लाइनों पे आप क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या दिखा रहा है। अगर यहाँ पर ये वैल्यू आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे डायोड मोड पर, तो आप एक जो रेड है उसको ग्राउंड पर रखेंगे और जो आपका ब्लैक है उसको इस पॉइंट पर रखेंगे, तो जो वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, अगर वैल्यू दिखा रहा है तो हम लाइन को सही मानते हैं। तो ये भी चीज़ बता चुका हूँ, तो इसको भी आप मेरे वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। इसके बाद जो आती है अगली चीज़, वो आता है बिट मैप। बिट मैप बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप CPU निकाल रहे हैं, MMC निकाल रहे हैं, पावर IC आपने निकाली, तो वहाँ पर जो आपको दिखेंगी वहाँ पर क्या होता है कि एक होता है ग्राउंड, एक होता है आपका NC और एक होता है सप्लाई। तो यहाँ पर मैं तीनों कलर समझा चुका हूँ कैसे क्या होता है काम, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं कि किस तरह से इस पर काम होता है। इन तीनों कलरों का यूज़ जो होता है, ग्रे कलर होगा, ब्लू कलर होगा और इस तरह से येलो कलर होगा। तो इन तीनों कलरों के बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, जिस पर कंसर्न है, जिस पर बात होनी है, वो है हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन को जब आप ओपन करते हैं यहाँ से, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको क्या है, जैसे जो भी मॉडल आप यूज़ करते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पर सैमसंग यूज़ करूँ, सोनी यूज़ करूँ, जो भी आपको यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम लावा ले रहे हैं, लावा के बाद आइरिस ले रहे हैं और यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, ये बैक कैमरा का PDF, चार्जर PDF, इसके अलावा कंपोनेंट के नेम, यहाँ से ओपन करेंगे आप तो यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं वो सब आपको क्या करेगा, यहाँ पर शो करेगा। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट नेम आपको क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। ये देखिए आप यहाँ से ध्यान से, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। हैंडसेट यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, हैंड फ्री दिखा रहा है, ईयर दिखा रहा है, USB कनेक्टर दिखा रहा है, EMMC देखिए EMMC IC दिखा रहा है। ये जो आप लोग ढूंढते रह जाते हो, ये अगर स्केमेटिक है तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद क्या दिखा रहा है यहाँ पर, LCD लाइट, ये लाइट सेक्शन का ये लाइट IC दिखा रहा है। इसके बाद देखिए पावर IC दिखा रहा है, कौन सी लगी है यहाँ पर, MediaTek की लगी है। इसके बाद यहाँ पर चिपसेट दिखा रहा है MediaTek का MT, ये आपका CPU लगा हुआ है MT6580A। इसके बाद ये देखिए आपका ये जो अगली चीज़ दिखा रहा है, ये बैटरी दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़, ये देखिए PA दिखा रहा है, 7118 दिखा रहा है, फ्रंट कैम दिखा रहा है, एक एक चीज़ आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर दिख जाएगी, जो आपको नॉर्मल आप बाकी इंस्टीट्यूटों में जो धूल में चलाते हैं लठ, वो तरह की चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट के साथ सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझाई जाती हैं। इसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पर बैक कैमरा कनेक्टर है, फिर आपका यहाँ पर अगली चीज़ दिखा रहा है, ऑन ऑफ दिखा रहा है, वॉल्यूम की दिखा रहा है, सिम कार्ड टू दिखा रहा है, SD कार्ड दिखा रहा है, टू द पॉइंट सारी चीज़ें एक एक पुर्जा इक्का कर देता है, ये दिखा देता है। तो ये हो गए पार्ट नेम। अब इसके बाद चलते हम यहाँ पर देखिए अगली चीज़, जैसे हमें CPU के वोल्टेज देखने हैं कि CPU के वोल्टेज कितने आ रहे हैं, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये देखिए अब यहाँ पर आपका देखिए CPU के एक एक वोल्टेज क्या करेगा, ये यहाँ पर आपको शो करेगा। ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करने के बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए
ये सीपीयू दिखा रहा है मीडिया टेक MT6580A, वी रेफरेंस वोल्ट, VCN 3V 3, इसके बाद वोल्टेज PMU VT 0.8 PMU, ये दिख गए आपको। अगर ये वोल्टेज मिसिंग है तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, दिक्कत है, पहले आपको इसको इस लाइन को ढूंढना पड़ेगा। जब मैं स्कीमेटिक में आगे बढ़ूंगा तो ये लाइन कैसे कैसे सर्च करनी है, कैसे दो ऑप्शंस को आपको लिंक करना है, वो सारी चीज़ें भी क्लियर करूंगा। तो ये देख लिया आपने। इसके बाद अगली चीज़ देखनी है आपको, अब यहाँ पर देखिए लाइट, एलसीडी लाइट को ओपन करिए। अब एलसीडी लाइट का देखिए पीडीएफ, ये देखिए अब एलसीडी लाइट के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। इसको मैं फिर से थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ, मैग्नीफाई करते ही ये देखिए आपको इस तरह से क्या करेगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लाइट से रिलेटेड, ये दिख रहा है आपको, ये लाइट से रिलेटेड कहाँ से ये गया, इसमें कैसे गया, लाइन कौन सी गई, पीएम, ये यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रहा है, पावर मैनेजमेंट के थ्रू कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, एक एक चीज़ यहाँ पर क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर है कहानी। इसके बाद अगली चीज़ देखनी, जैसे हमें देखना है यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन को, तो नेटवर्क सेक्शन को ओपन करें आप, ये देखिए नेटवर्क सेक्शन ओपन हो रहा है, और ये देखिए यहाँ पर ये फिर नेटवर्क सेक्शन के बारे में क्या करेगा, एंटीना, अब देखिए कलर दिखा रहा है यहाँ पर, ये देखो ये कलर दिखा रहा है, एंटीना CG TX, और इसके बाद क्या दिखा रहा है नीचे, सारे कलर दिखा दिए इसने, अभी नहीं कलरों पर एंटीना, देखो आपको एंटीना यहाँ से देखना तो ये इस तरह से दिख जाएगा, दिख रहा है ये दिखा, ये एंटीना के लिए दिया हुआ है, फिर आपका ये वी वैट दिया हुआ है, वोल्टेज कहाँ से आ रहा है इस पर दिख रहा है, वी वैट यहाँ से आ रहा है, तो सारी चीज़ें वी वैट कहाँ कहाँ जा रहा है वो सारी चीज़ें आपको क्या करेगा ये दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें, ये देखो दिख रहा है ये लाइन कहाँ से आ रही है, दिखा ये एंटीना यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, दिख रहा है ये एंटीना यहाँ से चल रहा है, ये जाते 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 कहाँ पहुँच रहा है, किस पिन से जा रहा है IC के, दिखा यहाँ से एंटीना, ये एंटीना दिख रही है, एंटीना की लाइन दिख रहा है, हाँ ना तो बोलो, ये एंटीना की लाइन ये पूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से आपको सारी समझ में आ जाएगी कि एंटीना कहाँ से गया। अब अगर ये लाइन में एंटीना यहाँ से तुम इसको जोड़े जा रहे हो उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो उस IC को वहाँ से पकड़ के क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये दिख रहा है आपको ये पूरी लाइन, ये पूरे कंपोनेंट लगे यहाँ पर, ये कंपोनेंट खराब होंगे या कुछ खराब होगा तो ये भी क्या होगा, काम नहीं करेगा। क्लियर हुई कहानी। तो अगर स्कीमेटिक नहीं आता है, अगर स्कीमेटिक नहीं पढ़ना है तो बात अलग है, बाकी अदरवाइज आपको एक एक चीज ये क्या कर देता है, दिखा देता है। अब ऑन ऑफ की कहानी, पावर की को देख लो, पावर की यहाँ पे देखो रेड कलर, वॉल्यूम अप येलो कलर, और वॉल्यूम डाउन ग्रीन कलर, तीनों दिखा दिए यहाँ से। अब ये कहाँ से कनेक्टेड है, देखो ये पॉइंट CPU से किस किस लेग पे कनेक्ट है और कहाँ पहुँच रहा है, दिख रहा है ये, दिख गई कहानी। अब इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ये बड़ा कर सकते हो। अब पावर की कहाँ से, ये देखो इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं, अब इसको हम देखना चालू करते हैं, दिख गई ये आ गई पावर की, देखी। तो यहाँ से आपको सारी चीजें कहाँ पे जा रही है, CPU के देखो कहाँ से इन दो, हाँ IC तक कैसे गई वो बैट तक पूरा बता देगा, ठीक है। अब आप पावर की बदलते रहो, कुछ बदलते रहो, तो ये चीजें नहीं पता अब इसके रास्ते में क्या क्या लगा है, दिख रहा है सारी चीजें, सब देखना पड़ेगा ना बिना देखे। ये देखो यहाँ से ऐसे आ रही ना लाइन, इसमें से भी जम्पर उठा लेते क्या IC, हाँ और क्या। अब ये जैसे ये IC है, ये आपने तो आपने पैडिंग करी, अब पैड इसको खोला, अब इसमें कुछ लेग्स खराब हो गई, तो आप इसको क्या करो सबसे पहले, हाँ एक मिनट कवर कर दो, बिट मैप में जाके देख लो कि ये लेग जो है ये पैड कनेक्टेड है, लाइन का है या NC है या ग्राउंड है, तो वो चीज़ बिट मैप में दिख जाती है। तीन कलर होते हैं वहाँ पर, ब्लू कलर होगा, ग्रे कलर होगा और येलो कलर, तो वहाँ से आपको दिख जाएगा कौन सी लाइन ये है। क्लियर है कहानी। तो ये बिट मैप वाला मेरा वीडियो देख लेना। अब इसके बाद अगली चीज़ देखो, लाइट सेक्शन हो गया, माइक, तो माइक को ओपन करा अपन ने, और माइक को जैसे ही ओपन करेंगे तो माइक से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाएगा कि माइक में क्या कहानी। पहले इसको नीचे देख लो, माइक से कैसे कैसे कहानी चलनी है देख लो, स्पीकर प्लस, स्पीकर माइनस, और माइक प्लस, AU_HSH, AU_HSN, इसके बारे में भी लिखवाऊंगा। अब इसको बड़ा कर लेते हैं हम, आपके पास सारी एडवांस चीज़ें होना चाहिए, टच वाला लैपटॉप हो, सब प्रॉपर हो, तभी आपको ये देखो पूरी लाइन दिख रही है इसकी भी, स्पीकर की कहानी आ रही है, देखो किस IC से कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है, ये देखो ये पूरा स्पीकर कैसे चलेगा सारा डिटेल यहाँ से क्या कर रहा है ये बता रहा है, ठीक। तो ये हार्डवेयर जो हार्डवेयर होता है ये इस तरह की सारी चीज़ें क्या करता है,
शो करता है, एक एक चीज़ सिम कार्ड से लेकर एसडी कार्ड से लेकर वाईफाई से लेकर एक एक चीज़ बताएगा। क्लियर है कहानी? तो ये हार्डवेयर था। इसके पहले मैं इसमें आपको बता चुका हूँ क्या क्या आज हार्डवेयर सॉल्यूशन करा है। हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप और डायोड मोड और थर्मिस्टर, ये चार चीज़ हो चुकी हैं। और कल से हम चालू करेंगे इसमें कौन सी सीरीज़ में जो अगला वीडियो होगा, कल से हम चालू करेंगे, पहले डाटा शीट को समझेंगे। एक बार डाटा शीट का इंट्रोडक्शन दिखा देता हूँ। अब यहाँ से ऑडियो आईसी है, ऑडियो आईसी में ये आईसी इसके अंदर दी हैं, जैसे WCD या चार्जिंग आईसी जो भी लेना है, आप इसको ओपन करो। अब आप इस आईसी का क्या दिखा देगा, ये डाटा शीट दिखा देगा। डाटा शीट क्या होती है देखिएगा ध्यान से, बस सर्च मारना जिसके बारे में उसकी लाइनिंग हुआ, इतना डाटा इसमें अवेलेबल है इन आईसी का। अब इस आईसी पर कैसा काम है, क्या पिन डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ही देखो। कौन सी है, WCD 9335, इसको नीचे करिए। ऑडियो कोडेक आईसी है। अब इस आईसी के बारे में देखिए, कॉलकॉम दिखा रहा है ये। अब इसका पूरा समरी की फीचर दिखाएगा। अभी देखो WCD 9335 क्या क्या कर रही है, अंदर का स्ट्रक्चर दिखाएगा। अब लोग बोलते हैं थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, नैंड गेट, एंड गेट, नॉर गेट, कॉपी किताब उठाई हो तब थ्योरी का महत्व तो समझ में आए। अब ये चीज़ें इंटरनल लॉजिक आपको नहीं समझना बात अलग है, लेकिन कोई स्टूडेंट तो आ सकता है ना जो पूछेगा कि ये लॉजिक क्या काम कर रहा है, समझ रहे हो ना कहानी। मोबाइल रिपेयरिंग में बंदा आता है उसको ये सब चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी अगर वो एडवांस लेवल पर कोर्स कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो कॉपी किताब से वास्ता होगा तब तो थ्योरी का महत्व तो होगा, अदरवाइज प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सिर्फ प्रैक्टिकल करा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं मार्केट के अंदर। अब देखिए ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें किस तरह से वॉइस को एक्टिवेट करेगा, किस तरह से डायनेमिक रेंज सेट करेगा, सारी चीज़ें यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर आईसी का दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें कितने लेग्स हैं, कितने पिंस हैं, ये देखो 113 FOWPSP इस तरह के लेग्स हैं इसमें, ये दिखाएगा। और नीचे चलोगे आप, अब देखो यहाँ पर सप्लाई दिखाएगा। 2 supplies आर रिक्वायर्ड, प्राइमरी फोन पावर और 1.8 volt फ्रॉम पावर मैनेजमेंट PMI से, और प्राइमरी वोल्टेज फ्रॉम फोन पावर। दिख गया दो तरह का पावर चाहिए। फरवरी 2015 को रिलीज हुई, इस पर कल पूरा वीडियो डालेंगे तो इस पर और डिटेल कराऊंगा। अब देखो इसको, लेकिन देख लो थोड़ा सा PDF। अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है कैसे काम करेगा ये। ये और इंटरनल लॉजिक इसका, तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है। देखो ये पूरी पिंस दे दी, दिख गई 113 की 113 पिन। जब इस लेवल तक रिपेयरिंग सीखोगे तो कुछ बचेगा क्या तुम्हारे हाथ से कि जो रिपेयर ना हो। अभी आ गए पूरे पिनों की चीजें, पैड पे क्या क्या आना है, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पर एक एक पैड की सारी डिटेल बताएगा, इस पर वीडियो कल पूरा डिटेल कराऊंगा। देखो क्लॉक डाटा, PDM क्लॉक, PDM डाटा, 4 और 11 नंबर पिन पे आ रहा है, ठीक है। RX TX RX जो रिसीविंग हो रही है यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज V आउट कर रहा है, वोल्टेज की लाइन भी अभी कर दिखाता हूँ किस तरह से होगी। दिखा पूरा ये ग्राउंड पिन है कौन सी, नंबर 90 63 95 224 47, ये VDD पावर फ्रॉम एनालॉग ऑडियो इनपुट, पावर फॉर द SDIO, ये सब इसके लिए पावर लग रहा है इन पिनों पे, ठीक है। ये नेगेटिव सप्लाई फॉर PAS। तो ऐसे जब तक आप नहीं पढ़ोगे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अभी देख लो मिनिमम वोल्टेज इतना, मैक्सिमम वोल्टेज इतना, इतना तक ये सहन कर सकती है, ठीक। अब इसके बाद एक एक पिंस पर डिटेल्स पर ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको क्या करेगा, एक एक आईसी की डिटेल बताएगा। ये समझाओगे? हाँ ये सब समझाऊंगा, ये कल के वीडियो पूरा क्लियर कर दूंगा। इसमें आपको वोल्टेज चेक करना आना चाहिए, डेटा चेक करना आना चाहिए, क्लॉक चेक करना आना चाहिए। अगर DSO चलाना नहीं आता, अगर आपको पावर सप्लाई चेक करना नहीं आती, अगर आपको लाइन क्लियर नहीं, तो आप कभी रिपेयरिंग नहीं कर सकते। नॉर्मल आप कर लोगे, एडवांस लेवल पे सब चीज़ें कवर होती हैं। तो ये ऑडियो सेक्शन था। इसके अलावा और कोई सी आईसी उठाना है तो आप उस आईसी को उठा लो, पावर एम्पलीफायर, चार्जिंग आईसी, रेगुलेटर, जो भी आपको चाहिए, ट्रांजिस्टर, ये इस तरह से क्या करेगा, आपको एक एक चीज़ दिखाएगा। अब यहाँ पर देखो आप, जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर हम ले लें एक और आईसी, जैसे LED ड्राइवर आईसी है ना। इसके अलावा आपको और एक आईसी बता देता हूँ, बैटरी चार्जर। अब इसको देखो BQ सीरीज़ की आती है बैटरी चार्जिंग, कुछ आईसियाँ पावर आईसी के साथ आती हैं, PMI के ला जाती हैं। तो BQ सीरीज़ की जो आईसी है, BQ सीरीज़ आईसी लैपटॉप में भी यूज़ होगी और
हमारे मोबाइल में भी यूज़ होती है। अभी सीरीज की आईसी का जैसे अभी देखो फीचर दिखा रहा है, अभी सीरीज की आईसी को देखना ध्यान से, इसमें भी वही सब स्पेसिफिकेशन लेआउट सारा दिखाएगा। ये आ गया इसका पिन डिटेल, दिख रही है। अब इस पिन डिटेल में क्या होगा, देखिए अब वीवस है, डेटा है, सीरियल है, क्लॉक है, वीवैट है, ओटीजी है, वीवस है, पावर ईएमडी है, बीटीएसटी है, एसडब्ल्यू है, सारी चीज़ें एक एक फंक्शन। अब ये हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या है, बैट क्या है, सिस क्या है, पीजी ग्राउंड क्या है, वीवस क्या है, डाटा प्लस क्या है, डाटा माइनस क्या है, एससीएल क्या है, एसडीए क्या है। कोई टेंशन वाला मामला नहीं है, पूरा नीचे डिटेल दे देता है, दिख रहा पूरा डाटा प्लस डाटा माइनस सारी चीज़ें दिखा दी, वीवैट दिखा दिया, एक एक चीज़ अगर आप पढ़ना आता आपको तो सब चीज़ क्या कर देगा, खुद दिखा देगा। इस पर वीडियो कल डालेंगे, ये पूरा मैं आपको डेटा शीट कल पूरा डिटेल के साथ कराऊंगा, कैसे काम करती है डेटा शीट, पिन आउट, पिन डिटेल, सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर एसओसी बताऊंगा, सिस्टम ऑन चिप, क्वालकॉम का और मीडिया टेक का। इसके बाद हम स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल्स पे जाएंगे, फाइनली सारी चीज़ें कैसे आपको कंपोनेंट्स ढूंढना है, क्या ढूंढना है, फिर लास्ट में बूट सिक्वेंस आईसीओ का हम चालू करेंगे। करीब करीब 40 से 50 वीडियो स्कीमेटिक के अगर आप देख लेंगे मेरे, आपको स्कीमेटिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा 50,000-60,000 कहीं ना दे, कोई ज़रूरत नहीं इतना पैसा खर्च करने की। स्कीमेटिक एक हफ्ते का वीडियो होता है, एक हफ्ते की क्लास होती है जिसमें पूरी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसे इंस्टीट्यूट में भी ना जाएं जहां पर स्कीमेटिक का नामो निशान ना हो। कोर्सेज करने के लिए आप हमें ज्वाइन करें, एक कंप्लीट इंस्टीट्यूट है, कंप्लीट सारी चीज़ें आपको कवर करके हम देते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।